Friends, this is Vikram Prasad wala in USA or America. In this video, I have shown an excellent, very large grocery store in Rotorua, New Zealand that we visited in December 2022. After looking, this Stores thoroughly all around. I felt as I was in an American large grocery store, but even much larger. And the pattern of keeping fresh fruits, vegetables, and many other items we love to see. It was very clean and nicely arranged flowers vegetables milk and many other items of daily need and therefore I thought I should show this because I always thought that Rotorua was a small town and to see such a huge uh, grocery store in a very nice way and supplying all vegetables, fruits, and other needs. I love to see it was very clean and everything was available in this store. Jo mere Hindi speaking bhai hai, ham yahan ek bahut Bari. ग्रोसरी स्टोर को दिखाए हैं जो कि रोटोरुआ में है न्यूज़ीलैंड के जिसे हम लोग विज़िट किए दिसंबर 2022 में 22 में और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही स्टोर होना चाहिए तो इसलिए हम सोचे कि हम आपको दिखाएं कि देखिए अमेरिका में और न्यूज़ीलैंड में भी बड़े अच्छे अच्छे ग्रोसरी स्टोर हैं बड़े 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 स्टोर हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए हैं सभी चीज़ें अवेलेबल हैं देखिए अदरक देख रहे हैं कंदा भी है यहाँ देखिए और आलू भी है और बहुत सी सब्जियाँ आप देख रहे हैं लेकिन देखिए कितने अच्छे से अरेंज करके रखा गया है और साफ सुथरा कंडीशन में ब्रेड देखिए यहाँ और जो है दूध वगैरह भी डेली अवेलेबल है ऐसा नहीं है कि कोई माल जो है घट गया तो ये इस तरह के स्टोर को चलाना आ, कोई ईजी काम नहीं है लेकिन देखिए यहाँ जो है ए, अमेरिका में भी बहुत ए, कास्को है वॉलमार्ट है मायर स्टोर हैं ये भी बहुत बड़े स्टोर है और बहुत अच्छे स्टोर है लेकिन ये मेरे को बहुत बड़ा लगा यहाँ से भी बड़ा लगा और ए, हर एक मामले में मुझे ये लगा कि ये तो अमेरिकन स्टोर है ग्रोसरी का लेकिन बहुत बड़ा है और देखिए यहाँ जो है स्टोर का माल जो दिखा कि लगता था कि जैसे अमेरिका में अरेंज करके ए, रखे रहते हैं शेर पर तो एकदम वही स्टाइल है और ए, जो स्टॉकिंग करने वाले थे लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं आ, तो किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही थी और बड़े साफ़ सुथरे और जो उनके काम करने वाले लोग थे बड़े फ्रेंडली थे तो हम लोग क्रिसमस टाइम में विज़िट किए थे तो इसलिए देखने को कुछ सामान क्रिसमस वाला भी मिला लेकिन हम सोचे कि सभी चीज़ को आपको दिखाएं ताकि आप समझें कि हाँ अमेरिका न्यूजीलैंड या और जो देश हैं जिसके कि हम लोग विज़िट किए हैं लेकिन वीडियो नहीं लिए हैं कई सालों पहले की बात है लेकिन यहाँ तो 2022 दिसंबर की ही बात है जबकि हम लोग विज़िट किए और कभी भी पहले हम लोग नहीं देखे थे आकलैंड और यूनो स्टोर हुआ या रोटोरुआ का तो यहाँ देखिए कि देखिए मीट वगैरह भी यहाँ बहुत मिलता है एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि एथनिक फूड्स भी अवेलेबल हैं चाइनीज़ फूड इंडियन फूड और भी जो हैं और दूसरा मेरे को स्पेशल ये लगा कि सी फूड यहाँ बहुत अवेलेबल था जो कि हम अमेरिका में जो हैं जो तीन स्टोर का जो मेंशन किए हैं जो मिलता है लेकिन यहाँ जो है कुछ दूसरी वेराइटीज़ जो है क्लैम हुआ शेल फिश हुआ ये देखने को मुझे लगा कि यहाँ है काफ़ी अवेलेबल जो है सी फूड का चॉइसेस uh, तो हर एक जगह का अलग अलग है स्टाइल uh, और कंट्री का जो हाँ लोग रहते हैं जिस देश में uh, और बाहर के लोग भी जो सेटल हुए हैं उनकी भी नीड्स होती है और उसको भी ये स्टोर वाले लोग रखते हैं ताकि uh, वो खरीद सकें देखिए ये शेलफिश फिश है और क्लाइम लग रहा है कि जैसे ये क्लाइम है और तो जो चाइनीज़ लोग हैं कोरियन लोग हैं इसे बहुत शौक़ से खाते हैं तो आप ज़रा देखिए और ये समझने का कोशिश कीजिए कि इतने बड़े स्टोर को चलाना आसान नहीं है लेकिन ये बड़े बड़े आर्गेनाइजेशन हैं फूड स्टोर्स हैं ग्रोसरी स्टोर हैं जो कि ये बड़े अच्छे से चलाते हैं और पब्लिक वहाँ जा करके ख़रीदती है और जो है ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्राइस हो जो नॉर्मल प्राइस है वही है कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या लोग यहाँ चोरी करते हैं तो मैं कहूँगा कि नहीं बहुत अकेजनल अगर कोई शाप लिफ्टिंग कर रहा है तो यहाँ कैमरा होता है जो वॉच कर रहा है देख रहा है अगर वो लोग पकड़े गए तो उनको सजा मिलती है पुलिस आती है तो ऐसा मोस्ट लोग नहीं करते हैं कोई अगर शॉप लिफ्टर है रेयरली तो वो भी पकड़ा जाता है और उसकी सजा होती है तो ये इस तरह की बात कोई करना नहीं चाहता है लेकिन अगर कोई गरीब है और अगर शॉप लिफ्टिंग कर रहा है किसी कारण से तो उसकी भी सज़ा होती है आ, ये नहीं है कि कोई फ्री दे देगा यहाँ Uh, जो है तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए विश कीजिए कि इंडिया में भी uh, ऐसे ऐसे स्टोर खुलें साफ़ सुथरे वाले अच्छे सर्विस वाले तो थैंक्स नमस्कार प्लीज़ ऐसा करें सब्सक्राइब करें क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है शेयर करें कमेंट करें ताकि मैं समझ सकूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या नहीं मैं पहले कह चुका हूं कि साढ़े चार सौ से ज़्यादा वीडियो हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं मेरी उम्र एटी वन है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के बिगनिंग में तो ये मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बनाना मेरा मोटिवेशन है कि हम आपको बना करके दिखाएं और आप भी समझ सकें कि विदेशी कंट्री जो हैं दूसरे कंट्री जो हैं ये चीज़ें कैसे मिलती हैं खाने के सामान कैसे मिलते हैं कैसे रखे जाते हैं कितने बड़े होते हैं तो इसको देखने से जानने से जो बिजनेस मैन हैं वो वो कोशिश करते हैं कि वो भी अच्छा से अच्छा स्टोर खोलें हालांकि आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में फैमिली ओन्ड स्टोर होते हैं छोटे छोटे होते हैं लेकिन कहीं कहीं बड़े स्टोर हैं और ये जो फ़ॉरेन वाले स्टोर हैं वो लोग तो वहाँ भी खोल रहे हैं दिल्ली में हुआ अब तो गोरखपुर में मैंने सुना है कि है और जो इस जो है बनारस में है बहुत जगह खुले हुए हैं अच्छे अच्छे स्टोर तो ऐसी बात नहीं है लेकिन ये सब जो भी काफ़ी हुआ है हिंदुस्तान में या और देशों में वो दूसरे देशों के देखने के बाद ही हुआ है काफ़ी तो आप देखिए और समझिए कि वो अमेरिकन या न्यूज़ीलैंड के वे ऑफ लाइफ कैसा है तो यहाँ तो आप जानते हैं जब तक आदमी के पास जाब है तो वो उसको खाना पीना है ही है और है तो ख़रीदना भी है तो इसके लिए एक कोई ख़ास बात नहीं है लोग इस तरह का कोई बात फील नहीं करते हैं तो पैसा कमाते हैं खर्च करते हैं खाते पीते हैं और जीवन जो है चलता रहता है तो देखिए कितना साफ सुथरा दिख रहा है ये स्टोर मैं तो बहुत ही इन्फ्लुएंस था क्योंकि ये बहुत बड़ा था और बहुत से सामान थे लोग भी बहुत थे ऐसे आप करने वाले हम इस वीडियो में अवॉइड किए हैं उनका वीडियो लेना तो यही हम दिखाए हैं कि ऐसा स्टोर हर एक देश में होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए और अच्छे कस्टमर के साथ में कस्टमर सर्विस होना चाहिए सो थैंक्स नमस्कार